हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम NBCC इंडिया लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों, क्या 18 रुपये का शेयर ये आपको क्या करोड़पति बना देगा? क्या ये एक मल्टीप्लायर बनेगा? इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। ये शेयर क्यों गिरता जा रहा है, इसमें क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में पहले जान लेते। देखो, NBCC देखो शुरू हुआ था 1960 में और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आता है और इसका शेड्यूल ए और नवरत्न कंपनी है। देखो दोस्तों, ये और देखो ये सेटअप हुआ था ऐसे PMC यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि इसमें देखो ये सिविल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो कि ये लेती है और डायरेक्टली देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट ले लेती है नॉमिनेशन बेसिस पर। नॉमिनेशन बेसिस मतलब देखो डायरेक्ट इनको अपॉइंट कर लिया जाता है और उसके बाद देखो ये कंपनी दूसरे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ये काम दे देती है। इस तरह से ये PMC इसको कहते हैं दोस्तों। और इसके अलावा देखो अलग अलग देखो ये जॉब से टेंडर बेसिस पर लेती है गवर्नमेंट से और पब्लिक सेक्टर से जो कि डेवलपमेंट करती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। और दोस्तों इसको एक स्टेटस मिला है जैसे कि पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें देखो ये इनको डायरेक्टली ऑर्डर मिलता है फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेशन बेसिस पर मिला है। जैसे मैं बोलता हूँ नॉमिनेशन बेसिस पर डायरेक्टली इनको अपॉइंट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों को बिडिंग किया जाता है कंपटीशन बेसिस पर किसका कॉन्ट्रैक्ट किसका काम अच्छा है किसका प्राइस कम है। तो ऐसा करके कुछ कॉम्पिटिशन नहीं होता, डायरेक्टली इनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। और इनका देखो फोकस रहता है क्वालिटी और टाइम पर कंप्लीशन करने के वजह से तो इनको और रिपीट होता रहता है इनका ऑर्डर। तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए कि डायरेक्टली इनके नॉमिनेशन बेसिस पर इनको प्रोजेक्ट मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट के ही थ्रू, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। और देखो इनको ये NBCC को और भी देखो एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इनको बताया गया है, जैसे कि कुछ कुछ खास है स्कीम गवर्नमेंट की। देखो सेवरल गवर्नमेंट स्कीम है जो कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और दूसरा है देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके खास एजन इम्प्लीमेंटेशन का काम इनको ही दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। इसके वजह से इनका काम हमेशा देखो इनके पास एकदम वर्कलोड हमेशा रहता है और हमेशा इम्प्लीमेंटेशन कुछ ना कुछ चलता रहता है। और देखो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोतीबाग प्रोजेक्ट इन दिल्ली। मोतीबाग प्रोजेक्ट में अच्छा खासा देखो सक्सेसफुली काम करने की वजह से इनको देखो और 4 रिडेवलपमेंट का देखो प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो ये इनका काम अच्छा खासा चलता है दोस्तों। दोस्तों इसमें इनके हाथ में देखो कौन कौन से ऑर्डर्स है, इनके ऑर्डर बुक्स में नज़र मार लेते। देखो रिडेवलपमेंट ऑफ नौरोजी नगर इनटू दिल्लीज वन एंड ओनली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये एक इनका है। फिर रिडेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स इनटू वर्ल्ड ट्रेड स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन, तो ये इनका है। दूसरा देखो स्मार्ट रिडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन कमिंग स्मार्ट सिटीज़ ऑफ साराई रोहिल्ला दिल्ली लखनऊ में। फिर अलग अलग देखो स्टेशन का बताया नाम, गोमती नगर कोटा है, तिरुपति नेल्लोर इमकालम, फिर पांडिचेरी, फिर मड़गांव थाने, ये सब यहाँ पर देखो इतना सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्पेस एट वडाला मुंबई में, बिल्डिंग वर्क्स एट IIT भुवनेश्वर, रोड वर्क्स फॉर सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। तो इस तरह से देखो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं दोस्तों इनके एक प्रोजेक्ट्स पर देखो रिडेवलपमेंट पर तस्वीर पर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ये देखो यहाँ पर एक अलग अलग तस्वीर बताया गया, आप एक बार उस पर नज़र मार लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर इसका मार्केट कैप बताया 3384 करोड़ इसका है, मतलब ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसमें अच्छा खासा देखो पैसा लगाया है लोगों ने। बुक वैल्यू देखो 7.32 रुपीज़ है और ROCE देखेंगे तो 32% तक आसपास। देखो कितना अच्छा ROE है, ROCE देखो अच्छा खासा देखो इतना 32% के आसपास नॉर्मली होता नहीं है, इतना अच्छा खासा देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 2.57 है, ये थोड़ा देखो 2.5 गुना है प्राइस का। फिर इंडस्ट्री PE देखेंगे तो 10.58 है, इसके कंपेयर करेंगे देखेंगे हम लोग। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 61.75% है, बहुत ज़बरदस्त प्रमोटर होल्डिंग है।
करंट प्राइस देखो 18.80 रुपीज़ तक दिख रहा है इसका। स्टॉक पी देखो 23.88 है, थोड़ा देखो पी थोड़ा ज़्यादा है इसमें क्योंकि स्टॉक अच्छा है। फिर आर ओ ई देखो रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 20.98% है। फिर डेट टू इक्विटी देखो जीरो, जीरो डेट कंपनी है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। आज के ज़माने में देखो जीरो डेट मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जीरो डेट कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों। पी ई जी रेशियो देखो 3.07 है और मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ है, थोड़ा देखो एक के आसपास हो तो अच्छा है, तीन है तो थोड़ा महंगा है। प्लेज परसेंटेज जीरो है, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखा गया है, लोन भी कुछ नहीं है इस पर। 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो 52 वीक हाई देखो 64 के आसपास है और लो 14 रुपीज़ तक गया था, फिर लो के आसपास ही देखो ये चल रहा है अभी। डिविडेंड यील्ड देखो 3.46%, इतना ज़बरदस्त डिविडेंड दे रही है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है इसलिए 3.46% इतना ठीक ठाक डिविडेंड दे रही है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ देखो 19.5% है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, इंट्रीजिंग वैल्यू 37 है, अर्निंग पर शेयर 76 पैसा है। तो फिर चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग देखो 13% के आसपास देखो, उनमें सही हिस्सेदारी कम की है गवर्नमेंट ने। तो उसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखो December 18 को December 19 से कंपेयर करेंगे। सेल्स December 18 में 2439 करोड़ था जो कि घट कर देखो December 19 में 1930 करोड़ हो गए, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया दोस्तों। फिर नीचे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट में December 18 में 84 करोड़ था जो कि December 19 में घट कर 50 करोड़ हो गए, ये देखो 34 करोड़ का देखो घट गया प्रॉफिट। एक्चुअली दोस्तों इसमें 18-19 में इनका कुछ प्रोजेक्ट थे जो कि वहाँ पर दिल्ली में कुछ प्रोजेक्ट्स में रोड उसको झाड़ को जो कट करना था, ट्रीज़ को कटिंग करने पर बैन किया गया था, इसकी वजह से इनका प्रोजेक्ट थोड़ा डाउन हो गया था। और दिसंबर देखो September 19 में भी इनका देखो यहाँ पर 99 करोड़ का लॉस हुआ है। ये पूरा देखो 19-20 में इनका प्रॉफिट देखेंगे और 18-19 से कंपेयर करके तो ये प्रॉफिट देखो सब कम ही नज़र आ रहा है। मतलब इसका 18-19 का जो था जो सेल्स और प्रॉफिट हो वो 19-20 में बहुत कम हो गया है दोस्तों। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर एक बार नज़र मार लेते हैं, ये पूरा ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अपन है। इसमें देखो March 2014 से लेकर अभी तक देख लेते हैं। March 2014 में देखो सेल्स 4067 करोड़ था जो कि बढ़ रहा है देखो कंटिन्यूस 15, 16, 17, 18, 19 तक हर साल देखो बढ़ा है। और जो March 2014 का जो सेल्स था March 2019 से कंपेयर करें तो डबल से भी बढ़ गया है। March 2019 में डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर नीचे देख लेते हैं March 2014 में देखो नेट प्रॉफिट था 257 करोड़ जो कि हर साल बढ़ा है देखो 278 करोड़, 289 करोड़, 355 करोड़, 378 करोड़। सिर्फ March 2019 में थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब यानी 3 करोड़ कम हुआ है खाली, वो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। ये रिजल्ट 19 तक अच्छा है, लेकिन दोस्तों मैंने देखा क्वार्टरली रिजल्ट हमने देखा था 19-20 का जो रिजल्ट है वो ख़राब आया है, मानी सेल्स और प्रॉफिट सब डाउन हुआ है एक साल में, इसके वजह से शेयर ये गिरता जा रहा है। दोस्तों इसका एक साल का चार्ट देख लेते हैं। एक साल पहले देखो ये 63 रुपीज़ पर देखो ट्रेड कर रहा था, अभी गिरते गिरते 18 रुपीज़ पर ये आ गया है। दोस्तों इसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं। देखो शुरू में देखो March 2012 में 6 रुपीज़ था, फिर बढ़ते बढ़ते 9 तक गया, फिर देखो लगातार बढ़ता गया है बहुत बार, 58 थोड़ा उतार चढ़ाव होकर फिर 74, 82, 94, फिर 138 तक देखो गया हुआ है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया इसके एक दो साल से इसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके वहाँ से गिरावट शुरू हुआ है। 105 तक गया है, फिर 77, 66, 38, 22, अब 18 रुपीज़ तक आ गया है दोस्तों ये। तो अब इसका हम दूसरे कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो NBCC का देखो PE देखो 23.88 आ रहा है, तो कि ये देखो ठीक ठाक है, बाकी कंपनी से कंपेयर करके तो भी ठीक ठाक आ रहा है। फिर मार्केट कैप भी देखो अच्छा खासा 3384 करोड़ है, तो कि अच्छा खासा साइन है। डिविडेंड यील्ड देखो सबसे अच्छा है 3.46% डिविडेंड, इतना अच्छा डिविडेंड देखो कोई कंपनी दे नहीं रही है। फिर ROCE परसेंट देखो इतना अच्छा, देखो ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल 32% के आसपास, देखो बहुत अच्छा है दोस्तों ये। फिर प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो भी देखो ठीक ठाक ही है बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो। और फिर CMP टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये 2.5 गुना के आसपास है, ये भी ठीक ठाक लेवल पर ही है। फिर डेट टू इक्विटी देखो तो जीरो है, तो ये तो बहुत ही बेस्ट है, सबसे अच्छा है देखो ये भी, जीरो डेट कंपनी हमें ही देखना है दोस्तों। फिर इंडस्ट्री PE से कंपेयर करेंगे थोड़ा ये कॉस्टली दिखता है दोस्तों। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र मार लेते हैं।
देखो ये 31 मार्च 2020 का शेयर रूलिंग पैटर्न है, इसमें देखो प्रमोटर्स ने 61.75% लगा कर रखा है, पब्लिक ने 38.25% लगा कर रखा है। तो पब्लिक का 38.25% किसका है और डिटेल देख लेते दोस्तों। इसमें देखो म्यूचुअल फंड की 28 स्कीम ने पैसा लगा कर रखा है, 5.23% लगा कर रखा है, बहुत अच्छा साइन है दोस्तों ये। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स देखो 87 लोगों ने देखो 5.79% लगा रखा है, जबरदस्त है देखो ये। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक 11 लोगों ने देखो 7.82% लगा कर रखा है, LIC ने अकेले ने देखो 6.55% लगा कर रखा है, और हम जैसे इंडिविजुअल देखो जिसने एक आदमी ने 2 लाख से कम में लगा कर रखा है वो 14.10% है। फिर 2 लाख से ऊपर वाले जो है उन लोगों ने 1.32% लगा कर रखा, बहुत ज़बरदस्त शेयर लिंक बैठेंगे दोस्तों, लोगों का विश्वास इस पर बहुत है देखो दोस्तों। इसमें दोस्तों इसका देखो NSE में क्या कारोबार चल रहा है, देखें देखो निफ्टी ये देखो June 3 को देखो 82 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ था, तो देखो ये शेयर देखो 1.33% बढ़ा है, 25 पैसे बढ़कर देखो बंद हुआ है, 19.05 रुपीज़ तक देखो ये गया है। और इसमें डिलीवरी कितना हो रही है देखो, नीचे डिलीवरी से आपको पता चलता है दोस्तों 57% तक डिलीवरी हो रही है, मतलब देखो इसमें डिलीवरी मतलब लोग देखो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें शेयर उठा रहे हैं, इसमें सट्टेबाजी नहीं चल रही है, मतलब 57% मतलब देखो अच्छा खासा डिलीवरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग उठा रहे हैं इसमें, और बाकी का देखो परसेंटेज सट्टेबाजी मतलब इंट्राडे वगैरह खेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है देखो कि लोग इसमें लॉन्ग टर्म पर विश्वास रख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ माइनस पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि इसमें देखो ये माइनस पॉइंट ये दोस्तों इसमें देखो स्लो डाउन इन एग्जीक्यूशन इम्पैक्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि प्रोजेक्ट को शुरू करने में ही इनको देखो बहुत स्लो हो गया, शुरू हो नहीं पाया बराबर, तो उसकी वजह से देखो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ी है। जैसे कि इनके 40% जो ऑर्डर के जो 40% है वो पूरे स्टक मतलब फंसे हुए जो कि शुरू ही नहीं हो पाए, और 30% जो शुरू हुए उसके वजह से देखो इनके पूरे के प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ गए, जो कि देखो यहाँ पर 90% उनके पूरे 9 मंथ का जो प्रॉफिट था 90% डिक्लाइन हो गया, जैसे कि 5,459 करोड़ हो गया जो फर्स्ट 9 मंथ में, जो 2020 तक का 9 मंथ देखेंगे उसमें 5,459 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल 2019 के 9 मंथ देखेंगे तो 6,719 करोड़ हुआ करता था, तो कितनी बड़ी गिरावट हो गई। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी उनका देखो गिर कर 0.9% हो गया, जो कि पहले सेम पीरियड में 3% हुआ करता था, तो कितनी बड़ी गिरावट हुई दोस्तों। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो इन्होंने दिल्ली का इनका प्रोजेक्ट्स थे जो कि मैं ऐसा था कि जो पेड़ की कटाई नहीं करनी थी, जो ट्रीज़ को कट नहीं करना था, तो उसके वजह से ये ऑर्डर पास हो गया था, उसके वजह से इन्होंने उनका सब प्रोजेक्ट रुक गए थे वहाँ पर, तो रुक जाने की वजह से बाद में कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया, तो इसके डिले की वजह से इनका देखो बहुत सारा काम अटक गया, और उसमें न सेल्स न उसमें कुछ प्रॉफिट आ पाया, इसकी वजह से देखो 1920 में इनका रिज़ल्ट ख़राब है, जैसे कि आपने मैंने क्वार्टरली रिज़ल्ट रीड किया था उसमें आप देख सकते हो, तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आई। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में दोस्तों ये प्रॉब्लम होता ही है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही बार काम हो जाता है, एक बिल्डिंग को बनने के लिए समय आता है, 2-3 साल चला जाता है, रोड का काम चलता रहता है, जब तक वो पूरा काम नहीं होता तब तक उनको सेल्स में नहीं माना जाएगा, पूरा का पूरा मतलब ख़त्म होने के बाद ही उनको उसका पैसा फंसा हो रहता है शुरू तक, तो इस तरह से ये दिक्कतें तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक तरह से लगी रहती है, इनका पैसा फंसा रहता है पहले ही, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रांग कंपनी है तो ये तरह से दोस्तों मैंने हर एक लेवल पे आपको इसमें पॉइंट बताया है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, तो इसमें जो भी आपको एक्शन लेना है दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही अपना डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।